guys, hi, how are you all? My name is Madhul and you are watching my YouTube channel Learn English with British. So guys, I'm back with another lesson. आज मैं आपके सामने एक नया लेसन के साथ में आया हूँ और आज का हमारा लेसन है थैंक यू. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हेडिंग भी लिखा हुआ है थैंक यू, मीन्स आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग जब भी किसी को शुक्रिया अदा करते हैं तो एक ही तरीका होता है, वो है आपका शुक्रिया. इट मीन्स इन इंग्लिश थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स लाइक बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप दो तीन तरीके आपको बताओगे, बट टुडे आई विल टेल यू हियर डिफरेंट वेज ऑफ थैंक यू. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, तो इसमें सबसे पहला तरीका लिखा है सो नाइस ऑफ यू. चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सो नाइस ऑफ यू है आप कहां पे यूज कर सकते हैं. वेल पीपल, आप देखोगे जब भी आपकी कोई मदद करता है तो आप उसको एक थैंक यू बोल देते हैं, बट अगर वो मदद कोई आपसे बड़े उम्र में या फिर आपसे तजुर्बे में बड़े हैं तो उनको आप थैंक यू नहीं बोलेंगे. यू हैव टू से सो नाइस ऑफ यू. क्या बोलना है आपको इंग्लिश में? सो नाइस ऑफ यू. एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ में, सो नाइस ऑफ यू. वेरी गुड गाइस. ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वेरी काइंड ऑफ यू, ये भी एक नया तरीका है थैंक यू बोलने का. होप सो आप लोग इसको यूज कर रहे हो, बट वेरी काइंड ऑफ यू मीन्स इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बहुत बड़े दयालु हैं, इसका मतलब है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये वे आपको यूज करना है. सोचिए आपकी कोई मदद करता है पैसों से तो आप उसको थैंक यू बोल देंगे. कॉमन है थैंक यू वर्ड, तो हम लोग हर जगह यूज कर देते हैं. आपका पेन गिर जाएगा कोई उठा के देगा आप थैंक यू बोल देते हैं, बट सोचिए आपकी कोई पैसों से हेल्प करता है या फिर कोई अपना टाइम देता है आपको तो उसको बोल सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वेरी काइंड ऑफ यू. वेरी गुड गाइस. ओके, इस तरह से आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं थैंक यू बोलने का. जो थर्ड मैंने लिखा हुआ है आई एम ग्रेटफुल टू यू, मतलब मैं ग्रेटफुल हूं. नो, आई एम ग्रेटफुल टू यू मीन्स आप यहां पे थैंक यू बोलें किसी को. ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ग्रेटफुल की स्पेलिंग सही रखनी है, आप इसको ग्रेट महान वाला नहीं बोलेंगे. दैट्स फाइन. आई एम ग्रेटफुल टू यू मीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये तरीके हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको एक ही तरीका पता था अभी तक थैंक यू बोलने का. लाइक आपका पेन गिर जाएगा या फिर आपकी घड़ी गिर जाती है या वॉलेट खो जाता है या आपका फोन खराब हो गया, कोई आपको सही करके देता है फोन, सो यू हैव टू से हियर आई एम ग्रेटफुल टू यू. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट मैं आपसे बताना चाहूंगा एक नया वर्ड है. ओके, दिस इज कॉल्ड ऑब्लाइज्ड. बिल्कुल सुना आप लोगों ने, आपको इसको बोलना है ऑब्लाइज्ड. फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ में, ऑब्लाइज्ड. ओके, सो जब आप किसी से बोलते हैं भाई साहब मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, डॉक्टर्स के लिए आप बोल सकते हैं ये, लाइक पुलिस स्टेशन में आप बोल सकते हैं, जब आपकी कोई हेल्प होती है बहुत बड़ी हेल्प होती है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं, या फिर आप कोई केस जीत जाते हैं तो वहाँ पे बोल सकते हैं. ओके, स्कूल कॉलेज में अपने से बड़े लोगों को आप बोल सकते हैं मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू. बस इसी सेंटेंस को आप और अच्छे से बोल सकते हैं. यू कैन से हियर आई विल बी ऑब्लाइज्ड to you forever. मैं हमेशा हमेशा आपका आभारी रहूंगा. You can also say here like आप और भी चीज़ बोल सकते हैं इसको. I will be obliged to you. I am obliged to you forever. हमेशा हमेशा. So next मैं आपको ये बताऊंगा. The word is written here indebted. But आपको इसको indebted नहीं पढ़ना है. You have to say indebted. क्या बोलना है आपको इंग्लिश में? Indebted. You have to silent the B. आपको इसमें B silent रखना है. दोस्तों यहाँ पे इसको indebted ही बोलते हैं. ये word use किया जाता है मोस्टली, आप सोचिए लाइक क्या आप अपने आर्मी सोल्जर्स जो हमारे लिए इतनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमारे नेशन को सही सलामत रखे, क्या उनको आप सिंपल सा थैंक यू बोलोगे? नो गाइस, ये रॉन्ग है. आपको उनको बोलना होगा मैं आपका कर्जदार हूं और हमेशा हमेशा रहूंगा. लाइक आप ये वर्ड बोल सकते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे लिए कितना कुछ करके गए उनके लिए बोल सकते हैं. सो इंडेडेड वर्ड का आपको यूज करना है जब आप बोलते हैं कि मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आपका कर्जदार रहूंगा. लाइक मैं बोलता हूं यहां पर आई विल बी इंडेटेड टू माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप का कर्जदार हूं और आगे भी रहूंगा. आई एम इंडेटेड टू माई पेरेंट्स एंड आई विल बी इंडेटेड टू माई पेरेंट्स, ऑफकोर्स जिनकी वजह से आज मैं यहां हूं. एंड आई कैन ऑल्सो से हियर फॉर यू पीपल आई विल बी इंडेटेड फॉर यू ऑल माई लविंग व्यूअर्स, मैं आपका भी हमेशा हमेशा कर्जदार रहूंगा. दैट्स फाइन. सो इंडेटेड वर्ड यूज करना है फॉर फ्रीडम फाइटर्स, आर्मी सोल्जर्स एंड जिसके आप कर्जदार रहते हैं. लाइक इट कैन बी योर टीचर, कैन बी योर मेंटर एंड ऑल. नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आई अप्रिशिएट यू मीन्स आप किसी के काम की सराहना करते हैं. आप इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हो आई अप्रिशिएट वॉट यू हैव डन फॉर मी, मैं सराहना करता हूँ जो आपने मेरे लिए इतना
इतना कुछ किया, ठीक है। आप ट्रेन में जर्नी कर रहे होते हैं और जर्नी के दौरान खड़े खड़े आपको प्रॉब्लम होती है, तभी आपको कोई थोड़ा सा स्पेस देता है बैठने के लिए, तो आप वहां बोल सकते हैं, सो नाइस ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, दैट्स फाइन। सो हम बात करते हैं यहाँ पर अप्रिशिएट। Yes, we were talking about like appreciate. तो appreciate word use करना है जब आप किसी के काम की सराहना करते हैं, किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, तो वहाँ बोल सकते हैं यार I appreciate what you have done for me. मैं बहुत बहुत खुश हूँ जो तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है। The last one हम लोग यहाँ discuss करेंगे यहाँ पर the word it's called I can't say thanks enough, ठीक है। मैं अब आपको इतना शुक्रिया नहीं कह सकता, means आप कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल कहना चाहते हैं और आप कह रहे हैं, ये एक नया तरीका है गाइस, इसको आप यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। means किसी ने आपके लिए इतना कुछ कर दिया कि थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है, तो वहां बोलोगे यार आई कांट से थैंक इनफ, आई कांट से थैंक यू इनफ, बिल्कुल सही। चलो हम लोग एक बार फिर से बोलेंगे आई कांट से थैंक यू enough. Well people, so the topic is just end up here. हम लोग का topic finish हो गया है. Okay, हम लोग आपको ऐसे मिलते रहेंगे नए नए topics के साथ में. Okay guys, so it's a one request for you all. एक request है. Okay guys, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज तक के टॉपिक में हमारा इतना ही था, मैं आपसे फिर से मिलूंगा अगले एपिसोड में। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कुछ और वीडियो के साथ में आऊंगा। सो गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो सो डू कमेंट इन द बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट येट। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज जल्दी से तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ओके फॉर टुडे, नाइस spending you all, goodbye guys.